कार मैं हूँ रवि सिंह, मैं आपको लेकर आया हूँ आज उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे साथ यहाँ पर जिम के रहने वाली शांति देवी और रोहित वर्मा जी मेरे साथ हैं। झगड़ा हुआ है और इनके पिताजी के साथ मारपीट की गई है, बुरी तरह से उन्हें मारा गया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है। मैं बात करना चाहूँगा पहले इनकी माता जी से। नाश्ते का भी ऐड कर रहे थे हम, ये दुकान पे गए और ये इतने में गा रहा है कि मैं नाश्ता करके आता हूँ, ब्रेकफास्ट दोनों आए बाप बेटा। इतने में फ़ोन आ गया सरपंच साहब का, उसने बोला कि जल्दी जाओ। जब चले गए और जाते ही शुरू हो गए इनको मारने में, इनको भी मारा, कपड़े फाड़ दिए मेरे हस्बैंड को, वर्मा साहब को भी मारा उन्होंने। घंटा हुआ, दो घंटे हुए, मैं देखती रही कि मैं वेट करती रही उनका कि ब्रेकफास्ट करनी है, अभी तक आए नहीं है। मैंने इनको फ़ोन किया बेटे को, इसने उठाया, जब बोलता मम्मा मेरे को मारा उन्होंने, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरे डैडी को भी मार रहे हैं। माँ क्यों मार रहे हैं क्या बताएं, इनको ही बताओगी। इनको मार मार के सड़क के बीच में, मैं मेरे को पहुँचते टाइम लगा घर से, मैं पैदल गई, टाइम लगा मेरे को अपने घर से और ऊपर तक जाते। क्या नाम है सरपंच का? राकेश। राकेश कहाँ के? ये जी उसके भाई ने मेरे को इतने में वो इतनी इतनी इट लेके आया, इन्होंने भी छोटा पत्थर, मैंने झूठ नहीं बोलना, इन्होंने भी छोटा पत्थर उठाया मगर इनके हाथ से छुड़ा लिया। उन्होंने ईंट की मारी, मेरे को मारी है यहाँ पे, ईंट की मारी और साथ ईंट यहाँ मारी, ईंट की इधर जगह पे, पूरी जगह के ऊपर मेरे को ईंट की मारी गई है। पहले क्या कारण बताया जाता है, क्यों मारपीट शुरू हुई? हमारे जो बड़े मेरे ताया जी हैं बंसी लाल वर्मा, उन्होंने बुलाया था उनको, वहाँ पे दीवार का छोटा सा मसला है, हमारे अपनी फैमिली का मसला है, उन्होंने उन्होंने बुलाया तो सरपंच ने न्याय करने के बजाय हमारे ऊपर हमला कर दिया, हमें मारा, मेरे को मारा, इनके ऊपर इनका ऑपरेशन कराया है, आंखा यहाँ यहाँ पे कुर्सी मारी, ईंटों के साथ मारा, जब ईंट दूसरी लेने के लिए। कितने लोग थे उधर? बहुत लोग थे। फिर उसने अपने छोटे भाई को बुलाया, वो भी ईंट पत्थर लेके मारना शुरू कर गया, हमें मारा, हमें कोई होश नहीं थी कि हम कहाँ पे हैं कहाँ नहीं। इनका भी कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पहुंची थी मौके पर? पुलिस मौके पे पहुंची और पुलिस को भी उन्होंने ही बुलाया, हमने नहीं बुलाया, उन्होंने बुलाया, सरपंच ने ही बुलाया, उन्होंने ही मारा, उन्होंने ही पुलिस भी बुलाया। अब क्या डिमांड करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे कि उस सरपंच को और उसका जो छोटा भाई है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसने इनके ऊपर हाथापाई की, इनके साथ और कुछ भी कर सकता था, वो हमें मार भी सकता। लेडीज के साथ बदतमीजी की गई। वो मेरे पिताजी को मारा गया है, आप देख रहे हैं उनकी हालत, देख रहे हैं कपड़े, देखिए उनके, मेरे को देखिए, मेरे सारी शर्ट फाड़ दी गई। आपने देखा कि ये रोहित वर्मा थे जिन्होंने बताया कि जिब थाथी के जो सरपंच हैं, राकेश कहा जा रहा है उनका नाम, जिब के वो सरपंच हैं, राकेश उनका नाम बताया जा रहा है, उनकी ओर से कुछ लोग भी उनके साथ थे, इन पर हमला किया गया है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये देखिए सामने इनका सर फाड़ दिया गया है और इनके पिताजी बुरी तरह से घायल किए गए हैं, वो अंदर हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो ज़मीन के मसले को लेकर ये बात हुई है, लेकिन बात इतनी बड़ी बढ़ गई कि हाथापाई हो गई और एक दूसरे के सर फाड़ने पर उतर आए। लेकिन इनके द्वारा ये डिमांड की जा रही है, मांग की जा रही है कि उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन अभी के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।